हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री क्या हुई, चारों ओर से जुबानी हमले शुरू हो गए। आलम यह है कि जो शख्स कभी प्रियंका को देश का नेता बताता था, अब बीजेपी का दामन थामने के बाद प्रियंका को ठग बता रहा है। साथ ही महासचिव बनाए जाने को लेकर प्रियंका का राजनीति में डिमोशन बताने से भी नहीं चूक रहा। वहीं अपने नेता के बारे में की गई इस टिप्पणी से नाराज कांग्रेस नेता तो दो कदम आगे निकल गए और तंज कसने वाले बीजेपी एमएलसी को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। बीजेपी एमएलसी ने प्रियंका गांधी पर किया प्रहार। दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका को बताया ठग। कहा सक्रिय राजनीति में आने के बाद घटा उनका कद। पहले वो हुआ करती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बॉस, आज उनके बराबर कर दिया है सिंधिया का कद। इस तरह से राजनीति में हुआ है प्रियंका का डिमोशन। कांग्रेस ने बीजेपी एमएलसी पर किया पलटवार, मानसिक रूप से बीमार करार दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। रायबरेली में इन दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जुबानी जंग जोरों पर है। कांग्रेस की कमजोर हाथों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह इन दिनों प्रियंका वाड्रा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका वाड्रा को न जाने कितने विशेषणों से नवाजा। प्रियंका को ठग बताते हुए उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा से राजनीति में ही रही हैं, पर इस बार जब उनकी खुले तौर पर राजनीति में एंट्री की घोषणा की गई तो उनका डिमोशन कर दिया गया। प्रियंका पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की नेता हुआ करती थी, आज सिंधिया का उनके बराबर का कद कर दिया गया। अब कांग्रेस बताए कि प्रियंका का डिमोशन हुआ या प्रमोशन। लोगों ने देखा था कि एक बार कैप्टन सतीश शर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे थे और प्रियंका गांधी आईं और इमोशनल कार्ड खेला, रायबरेली की जनता को ठग लिया और ठगने के बाद वो फिर चली गईं। कैप्टन सतीश शर्मा जीत गए, दोबारा फिर आईं 5 साल बाद, फिर उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला और फिर ठग लिया और वो लगातार ठगती रहीं। रायबरेली की जनता ठगा महसूस करती रही और बार बार वो जिताती रही, लेकिन अब रायबरेली की जनता को महसूस होने लगा कि अब तक हमसे गलतियां हुई हैं, हमने सेवा के लिए नहीं चुना था लेकिन सेवा नहीं की गई, सम्मान नहीं दिलाया गया, काम नहीं किया गया, विकास नहीं किया गया। आज भी रायबरेली में 13.5 लाख लोग गरीबी रेखा के लिए के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बीजेपी एमएलसी के प्रियंका पर किए गए हमले पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है। उन्होंने भाषाई मर्यादा को भूलते हुए कहा कि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका को ठग बताने वाला खुद पूरे प्रदेश को ठग रहा है। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर दिनेश सिंह में नैतिकता हो तो कांग्रेस में रहते हुए भी जो भी पद इन्हें और इनके परिवार को मिले हैं उन सब पदों को छोड़कर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं तो औकात पता चल जाएगी। रायबरेली जानती है, पूरा प्रदेश जानता है कि आज दिनेश सिंह जी जो भी हैं वो कांग्रेस की बदौलत, बहुत बड़े इस तरीके से अगर वो अपने को बड़ा आदर्शवादी मानते हैं तो क्यों नहीं कांग्रेस की सीट से वो जो एमएलसी का चुनाव कांग्रेस में रह करके लड़े, विधानसभा का चुनाव कांग्रेस में उनके भाई रह करके लड़े, जिला पंचायत का चुनाव कांग्रेस में रह करके लड़े, छोड़ दें फिर से चुनाव वो लड़ लें, जिस दल में है उस दल के राजनेता के रूप में चुनाव लड़ लें। उनको खुद अपनी हैसियत का पता चल जाएगा, उन्हें खुद इस बात का एहसास है कि वो दोबारा चुनाव आने वाले दिनों में जनता जानती है कि कौन कितना बड़ा जुमलेबाज है और कितना बड़ा धोखेबाज है। बता दें कि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह
पहले एसपी, फिर बीएसपी और उसके बाद कांग्रेस में अपने राजनीतिक जोर आजमाइश कर चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस मुक्त रायबरेली बनाने का दम भर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि आज इनकी जो भी राजनीतिक ऊंचाई है वो कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस में रहने के दौरान दो बार एमएलसी, इनके छोटे भाई की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में छोटे भाई अवधेश सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। साथ ही एक छोटा भाई कांग्रेस से हरचंदपुर का विधायक भी है। ऐसे में अब एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जिस तरह से कांग्रेस और खासकर प्रियंका पर हमला बोल रहे हैं वो आगामी लोकसभा चुनाव में नेहरू गांधी परिवार के लिए कितना घातक साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। रोहित मिश्रा, समाचार प्लस, रायबरेली।